इंस्टीट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन इकोनॉमीज। इसका बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इन दी इन द इकोनॉमीज डी डी पी फिर ये आपके पास इंप्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इन इन दीनॉमीज ऑफ द डेवलपिंगज लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर इज़ेज अनिग्लेक्टेड सेक्टर इन डेवलपंग कंट्रीज़ अब यहाँ पे इन दिन के जी डेवलपिंग इकोनॉमीज में एग्रीकल्चर निगलेक्टेड सेक्टर क्यों है उसमें रोल प्ले करता है आपके इंस्टीट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं देर आर नंबर ऑफ नेशनल एंड इंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट प्ले सम रोल इन द डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर या जब आप लोकल इंस्टीट्यूशन की बात करोगे वहाँ पर आपके पास एकेडमिक एक्डेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी होंगे जो आपकी पॉलिसीज़ को असेस करेंगे दैट इज़ बीग बींग फॉलोड इन द इकोनोमी या जी वो स्टडीज करेंगे देखेंगे कि वैदर टाइप ऑफ द पॉलिसी पॉजिटिव इम्पैक्ट आर नगेटिव इम्पैक्ट फिर आपके पास यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी होंगे जो आपके पास न्यू सीड वाइटीज डिवेल्प करेंगे आपको आप कह लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऐसे मैथड आपको प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्टि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कैन भी इंक्रीज हाँ जी फिर इसी पैटर पर जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन की तो वो यहाँ पे कह लें दे यूजली ट्राई टू प्रमोट द पॉलिसीज जो आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करें फिर यहाँ पे फार्मर्स एसोसिएशन भी होती हैं जो कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को वाच करती हैं कि जी जो भी फार्मर्स पॉलिसीज कुछ इस पैटर्न पर फार्मूलेट ना हो जो फार्मर्स के इंटरेस्ट पे आप कह लें कि एडवर्स इम्पेक्ट रखें फिर इसी तरह यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ भी हैं जिसमें आपके पास सीड फर्टिलाइजर एंड मशीनरी मैनुफेक्चर हैं और ये क्या करते हैं ये यूजली ट्राई टू अलाइन दॉलिस प्रोडक्शन फिर एन जी ओज भी होंगी एनजीओज का भी ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट आप कह लें टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जो कि आप कह लें डिसमिनेट करेंगी रिसर्च के रिसर्च का जो भी रिसर्च प्रोड्यूस करती है कि वट आर दिमल मैथड ऑफ द प्रोडक्शन वो सारे किसके थ्रू आप कह लें फार्मर तक कम्युनिकेट होगा दैट कम्युनिकेशन इज थ्रू एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फिर आपके पास लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स भी होती हैं जो आपके पास क्रॉपिंग जोन करती हैं जो आपके पास यहाँ पे आप कह लें पॉलिसी फार्मोलेन करती हैं कि विच टाइप ऑफ द क्रॉप शुड बी भी पर्टिकुलर एरिया जो आपके एनवायरमेंटल रेगुलेशन को आप कह लें फार्मूलेट करती हैं या रेगुलेट करती हैं कि वट आर द दट प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड इन द एग्रीकल्चरल साइड फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी होती है जो आपके पास पॉलिसी फार्मोलेन करती है विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन जब आप गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हो तो दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज यूजुअली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एग्रीकल्चर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज यूजुअली फेवर करती हैं इंडस्ट्री को तो इसकी रीज़न ये है कि बेसिकली जो आपके पास एग्रीकल्चरल हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं दे हैव लेस पोलिटिकल पावर अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं हैंट यूजली फोकस ऑन सब्सिडीज टैक्सेस एंड टैरिफ अब ये जो सब्सिडीज टैक्सेस एंड टैरिफ्स हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स की पॉलिटिकल पावर है कोई नहीं तो ये यूजुअली बेनिफिट लार्ज लैंड ओनर्स और इसमें आप कह लें देर इज वेरी लेस स्मॉल फार्मर्स की अगर वहां पर आप कह लें कोई सब्सिडीज़ आप दे भी रहे हो फार्मिंग मशीनरी तो स्मॉल फार्मर्स आर नॉट इन इनिशन टू दैट फार्मिंग मशीनरी बिकॉज ऑफ देयर लो लेवल्स ऑफ इनकम फिर इसी पैटर्न पे जब आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में के जी ये ऐसी डिसीजन मेकिंग क्यों हो रही है दैट फेवर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लेस बेनिफिट फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर तो इसमें आप कह लें एग्रीकल्चर सेक्टर लैंड लॉर्ड एंड वर्कर्स देर इज वीक बार्गेनिंग पावर इन दीकल्चरल सेक्टर देर इज डिफिकल्ट फॉर ओनर ऑपरेटेड फैमिली फार्म कलेक्टिवलीग्रीकल्चर सेक्टर में आप कह लें देर आर लार्ज नंबर ऑफ फैमिली फार्म लेकिन फॉर दो फॉर्म्स के लार्ज नंबर ऑफ फैमिली फॉर्म्स तो हैं बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर दो लार्ज फैमिली फॉर्म्स टू एक्ट एज अ कलेक्टिवली कि वो सारे आप कह लें डिस्पर्सड हैं दे हैव नो पोलिटिकल पावर तो जो भी वो आप कहते हैं आप इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग दैट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर देम विद रेफरेंस टू बेनिफिट्स विद रेफरेंस टू बेनिफिट्स फ्राम द एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकिंग फिर इसी पैटर्न पर जब आप प्रेजेंट फार्मर्स की बात करते हो स्मॉल फार्मर्स की बात करते हो दे यूजली है तो साथ में आप कह लें वो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे दे आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ द वोटिंग एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस तो ये सब क्या कर रहे हैं इट आल्सो हैज सम एडवर्स इंपैक्ट ऑन 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 देयर अर्निंग्स अब इसको किस तरह आप इनहस कर सकते हो इट कैन बी इन्हांस बाय एजुकेटिंग देम र बाय इन्हांसिंग देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हाँ जी अब जब आप एजुकेट कर दोगे बिकॉज ऑफ एजुकेशन दे है आपके लिए इम्प्रूव करेगी देयर पोटेंशियल टू कैरी आउटिव एक्शन फिर इसके साथ साथ ये भी होगा इट विल इम्प्रूव देयर एफिशियंसी इंक्रीज देंसी जब इंक्रीज इन एफिशियंसी होगी दे कैन प्रोड्यूस दे कैन प्रोड्यूस मैक्मम लेवल ऑफ आउटपुट अगेंस दिवन क्वानिटी ऑफ इनपुट फिर यहां पे आप कह लें इट आल्सो प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ इन द रूरल सेक्टर और ये सारे आप कह लें फ्रूट्स किस चीज के हैं ऑल दीज आर द फ्रूट्स ऑफ द एजुकेशन एंड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्मॉल फार्मर्स